वन पीस एपिसोड नंबर 234 पार्ट वन हमें दिखाया जाता है कि उसब बहुत ही बहादुर से वहाँ पे लड़ता है, लेकिन उन सभी के सामने वो टिक नहीं पाता है। वो कहता है वो शिप का पैसा है उसे रिपेयर करने में खर्च होगा, वो हमें दे दो। पर वो कहता नहीं, तुम पायरेट हो और पायरेट से पैसा चोरी करना कोई बुरी बात नहीं है। तुम मदद मांगेगे तो किससे मांगोगे? नेवी से। नेवी भी तुम्हें अरेस्ट कर लेगा। तुम ये पैसा किसी गलत काम में ही चोरी करके आए होगे, इसलिए तुमसे लेना कोई गलत नहीं है। उसे कहता है कि मेरा नाम फ्रैंकी है, हमसे लिया तो तुमको कटवा डालूँगा। तो फिर वो उसे वहाँ से चला जाता है और कहता है तुम हमारे मेहमान का बहुत अच्छे से देखभाल करो, वो अपना सारा जूनियर लोग को कहता है। फिर वो लोग उस को बहुत ज़्यादा मारता है, बहुत ज़्यादा। उस को रोता है, गुस्सा करता है, बहुत बहुत इमोशनल होके वो कहता है मुझे वो पैसा दो, मुझे रिपेयर कराना है। बोलता है जो कंडीशन हो शिप का हो, लेकिन तुमको नहीं दूंगा पैसा। बहुत इमोशनल सीन होता है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है नामी में, जो कि एकदम गन फाइट कर रही होती है कि जब तक बाकी सब नहीं आते मुझे ये शिप को गार्ड करना है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है सांजी, जोड़ो और चौपड़ पे, जो कि मैप का फॉलो करते हुए जाते हैं। नामी उसे बता चुकी है कि उस वक्त कहाँ पर है। फिर वो मैप फॉलो करके एग्जैक्ट लोकेशन पर आते हैं, लेकिन वहाँ पर उस वक्त नहीं होता है। उसके बाद ऊपर से लूफी उड़ते उड़ते आता है नीचे और टकरा के वो पानी में गिर जाता है। फिर पूछते हैं लूफी तुम ये क्या कर रहे थे? तो फिर लूफी कहता है मैं भी उस काकूसान के जैसा उड़ते उड़ते उस को खोजने के लिए जा रहा था। फिर लूफी बताता है कि उस के साथ क्या हुआ है। वो कहता है मुझे पहले से ही पता है। सीन शिफ्ट होता है आइसबर्ग में, जिसके साथ वो क्रोग अपना कुछ प्लान करने के लिए गया था, लेकिन उसका मीटिंग सक्सेसफुल नहीं होता है और वो क्रोग गुस्सा होकर बाहर जाता है। फिर वो कालिफा उसको चाय पिलाती है और कहती है आखिर क्या हुआ। बोला वो कुछ मुझसे चाहता था जो मैं उसे नहीं देना चाहता था। और फिर उसके कैबिन में निको रॉबिन का एक पोस्टर लगा रहता है एकदम बाउंटी वाला, वो 8 साल पुराना वाला। फिर सीन शिफ्ट होता है लूफी सांजी जोड़ो और उसोप पे, और फिर वो चौपर पे। चौपर उसोप का एकदम इलाज कर रहा होता है, कहता है मैं ये भी जिंदा है, कॉन्शियस है, लेकिन बहुत ही बुरी तरह से मारा, उसे बहुत बुरी तरह से मारा गया होता है। वो सब एकदम बहुत ज़्यादा गुस्सा होते हैं, मोटिवेट करते हैं, वो कहते हैं अब हम उसका घर को एकदम तहस नहस कर देंगे और फिर आगे देखते हैं आखिर किस तरह से वो लोग उस का बदला लेते हैं। अब दूसरे पार्ट में वन पीस एपिसोड नंबर 234 पार्ट टू हमें दिखाया जाता है कि चौपर सांजी जोड़ो और लूफी एकदम बहुत ही बेहतरीन वॉक करते हुए जाते हैं फ्रैंकी हाउस के तरफ उन्हें मारने के लिए। हर कोई का पहले बैक हिस्ट्री दिखाया जाता है उस से रिलेटेड, बहुत ही इमोशनल बड़ा सीन होता है। उसके बाद लूफी जाके गेट पे दस्तक देता है। उसके बाद एक बहुत लंबा चौड़ा हट्टा कट्टा आदमी बाहर आता है, उसे लूफी अपना मस्त कंगम पिस्तौल से मारता है, वो एकदम फेंका जाता है, बहुत बड़ा होता है। उसके बाद चारों अंदर एंट्री करते हैं। उसके बाद एक बहुत चौड़ा लंबा आदमी पूरा आर्मर से भरा आता है और फिर लूफी अपना गमगम गैटलिंग यूज़ करता है, मारते मारते कहता है हमें तो कैनन भी तबाह नहीं कर सकता है, तुम्हारा पंच क्या करेगा। मारते मारते फिर अपना गमगम कैनन यूज़ करता है और उसका आर्मर पूरा तबाह हो जाता है। ये देख के हर कोई हैरान परेशान हो जाता है। उसके बाद कुछ आदमी बैकडोर से भागने ही वाले होते हैं कि सांची जाता है बैकडोर पे और अपना स्पेशल मूव यूज़ करके उन्हें वहाँ मार खदेड़ देता है। उसके बाद बोलते कि हम खिड़की से भागेंगे, तो खिड़की से भागने जाते हैं तो चौपड़ अपना रंबल बॉल खाता है और फिर हॉर्न पॉइंट यूज़ करके उन्हें वहाँ से मार के खदेड़ भगाता है। फिर वो कैनन से हमला करते हैं, तो जोड़ो अपना तलवार से कैनन को काट देता है और फिर कैनन को भी काट देता है। और फिर वो लोग डर के मारे कहते हैं कि तुम्हें पैसा ही चाहिए ना, हमारे पास नहीं है। फ्रैंकी वो लेके चला गया है शॉपिंग करने के लिए ब्लैक मार्केट में, तो तुम हमसे पैसा नहीं ले सकती। तो वो लोग कहता है तुम बहुत मूर्ख हो, ये पैसे के बारे में नहीं है। उसके बाद वो लोग थोड़ा हिम्मत जुटाते हैं और बाकी चारों पे लोग हमला करते हैं, लेकिन चारों बहुत बहादुरी से लड़ते हैं, एकदम उन लोग को मार कुटाई करते हैं, पूरा काट कूट के घर एकदम जला उला के फोड़ फाड़ देते हैं पूरा। बहुत बड़ा धमाका होता है, फिर वो धमाका जो फ्रैंकी को सुनाई देता है, जो कि सी ट्रेन यूज़ करके अपना ब्लैक मार्केट में जाने वाला होता है। उसके साथ दो लेडीज़ होते हैं जो कि कहते हैं वो लोग बहुत पार्टी करता है, तो वो लोग सोचा कि पार्टी कर रहा है, लेकिन वो लोग का वहाँ कुटाई हो रहा है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है लूफी बाकी मेंबर पे, वो लोग पूरा फ्रैंकी हाउस को तबाह कर चुके हैं, एक एक कतरा को टूट टाट के बराबर कर दिए हैं। उसके बाद वो लोग डिसाइड करते हैं चौपर को अच्छे तरह से, चौपर उस सबका इलाज कर देता है फर्स्ट एड। जोड़ो और सांजी कहते हैं कि हम यहाँ पे वेट कर भी ले तो वो फ्रैंकी आएगा नहीं, और अगर वो पैसा यूज़ कर लेता है तो हमें कुछ मदद नहीं हो पाएगा।
तो फिर लूफी पे सीन शिफ्ट होता है। वो कहता है कि मैंने अपना मन बना लिया इस शिप से रिलेटेड। वो कहता है कि आखिरकार हम गोइंग मेरी को गुड बाय कहने वाले हैं। बहुत ही इमोशनल भरा बैकग्राउंड म्यूजिक के साथ ये एपिसोड खत्म होता है। अगले एपिसोड में देखते हैं आखिर ये एपिसोड किस तरह से इन्हेंस होता है। थैंक यू।